आज ना मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ शॉपिंग किया जाए। तो मैं निकल गई बिलासपुर के मार्केट में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि बिलासपुर में जूडियो और इंस्टा जैसा जगह है जहाँ पे मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना जूडियो और इंस्टा दोनों ही अगल बगल में ही ओपन हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँ और दोनों का प्राइस में क्या है और क्या लूँ। तो दोनों जगह मुझे जाना था, और तो मैंने सबसे पहले सोचा कि इंस्टा ही चलती हूँ ताकि देखती हूँ कि यहाँ का प्राइस क्या है और जूडियो का प्राइस में क्या अंतर है। तो यहाँ मैं अंदर चली गई, और यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन था ड्रेसेस का, और बहुत सारा कुछ था जहाँ पे ना मार्जिन जो है ना बहुत कम था। तो मुझे देखकर ही ना बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत कम मार्जिन में ना आपको टॉप और ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत कम में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा था कि सेल्फ परचेस कर सकते थे, यहाँ पे ये जो मशीन है ना यहाँ पे आप सेल्फ चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा मुझे, ये नया लगा बिलासपुर में। और यहाँ पे ना बहुत अलग अलग सा ड्रेस देखने को मिला, नया एकदम फैशनेबल टाइप का था, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद यहाँ पे ना मैं ली नहीं, उसके बाद मैं जूडियो में चली गई कि जूडियो में कुछ सेल वगैरह लगा था, तो मैं सोची कि यहाँ पे जाके देख लेती हूँ कि यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले चप्पल सैंडल वगैरह देख रही थी, तो मैं ना सैंडल वगैरह देख रही थी कि कुछ अच्छा से मिल जाए, क्योंकि इसमें ना ऑफ़र था, इसमें 50% ऑफ था। तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता, कुछ छोटा मिल रहा था, कोई प्राइस समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे फाइनली ने एक सूट समझ में आया, एक सैंडल समझ में आया, फिर उसके बाद मैं ले ली। उसके बाद ना यहाँ पे मैं आ गई कार में, और दो तीन चीज़ें ली हूँ जो कि मैं घर पहुँच कर आप लोग को बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे निकल गई घर के लिए, और शाम हो चुका था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 416 रुपये का शॉपिंग करी, जिसमें से ये वाला जो चप्पल है ना उसको ली। उसके बाद ये था नेल पेंट जो कि 69 में था, और लिप बाम था यहाँ पे जो कि ये भी 49 का था, और यहाँ पे अंडरगारमेंट्स वगैरह ली। तो कुछ ऐसे छोटा सा सामान ली, उसके बाद ना मैं घर आ गई। तो आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।